आज देखो साबूदाने की खिचड़ी बनाने का मन है, तो मैंने देखो ये साबूदाने पानी में गला के रख दिया। ये 2-3 घंटे गला के रख देंगे, फिर उसके बाद इसकी खिचड़ी बनाएंगे। साबूदाने 2-3 घंटे भिगोने के बाद ये हमने पानी से धो लिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे इसमें, ठीक है। तेल गरम हो गया, थोड़ी सी हींग, जीरा, हरी मिर्ची और आलू, 2 आलू डाल दिए इसमें छोटे छोटे काट के, छोटे छोटे ही काटना जिससे जल्दी पक जाए। दो मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आलू 5 मिनट के बाद आलू पक गए, अब इसमें मूंगफली जो मैंने पहले ही गर्म कर ली थी, अब इसमें 2 टमाटर काट के डाल देंगे, 2 कटे हुए छोटे छोटे टमाटर। टमाटर को बस पकाएंगे नहीं, चल ऐसे चला के और इसमें तुरंत साबूदाना डाल देंगे। नमक, थोड़ा ऐसे ही चला देंगे 1-5 मिनट तक। और देखो इसे हम चलाते 10 से 15 मिनट हो गए, और देखो साबूदाने का कलर देखो बदल गया। ये अच्छे से पक गए, और ये देखो हमारी खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार। और ये देखो हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार। आप लोग बताना कमेंट में किस किस को खाना ये पसंद है, किस किस को साबूदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है, और इसे मैं व्रत में भी खाती हूँ। बस व्रत में क्या है, व्रत में इसमें सफ़ेद नमक नहीं डालते, आप काला नमक डाल के आराम से खा सकते हैं।